तो आंसर है सी. क्वेश्चन 11, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड इन एरर एज रेवेन्यू. क्या कहते हैं भाई? फॉर एग्जांपल हमने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर किया, फॉर एग्जांपल गाड़ी में सीएनजी किट लगवाई. सीएनजी किट कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है. क्यों? क्योंकि उससे एसेट की वैल्यू नॉर्मली बढ़ती तो नहीं है, लेकिन रनिंग कॉस्ट क्या होती है, कम हो जाती है. कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे आपके एसेट की वैल्यू या एफिशिएंसी बढ़ जाए वो भी कैपिटल है, या जिससे रनिंग की कॉस्ट कम हो जाए वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है. तो सीएनजी किट लगवाई, वो एसेट में डालना चाहिए था, हमने गलती से उसको एक्सपेंस में डाल दिया, तो अफेक्ट क्या होगा? बैलेंस शीट विल नॉट बैलेंस, ट्रायल बैलेंस विल नॉट बैलेंस. भाई देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो भी डेबिट होता है, एसेट खरीदते हैं वो भी डेबिट होता है, और एक्सपेंस जो होता है वो भी डेबिट होता है. तो दोनों चीज़ें क्या होती है मेरे भाई? डेबिट होती है. तो अगर एसेट को एक्सपेंस में डाल दिया या एक्सपेंस को एसेट में डाल दिया, दोनों चीज़ें डेबिट होती हैं, तो इससे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता. एक टॉपिक भी है एरर्स का, आपने शायद पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे ग्रेड इलेवेंथ में. तो ये एक एरर है जिसका नाम है एरर ऑफ प्रिंसिपल. एरर ऑफ प्रिंसिपल कब होता है? जब हम एसेट को एक्सपेंस बना दें या एक्सपेंस को एसेट बना दें, तो उससे ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो जाएगा. तो इसका मतलब ये बात गलत होगी, ट्रायल बैलेंस वुड नॉट बैलेंस. ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो जाएगा क्योंकि डेबिट को डेबिट पे डाला है, और जो है वो उससे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं होता. अगर ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो जाएगी तो बैलेंस शीट भी बैलेंस हो जाएगी, तो ए भी गलत है. एक्सपेंस ओवर या अंडर, भाई देखो हमने सीएनजी किट लगवाई थी, वो एसेट में डालना चाहिए था, हमने उसको ट्रीट कर लिया देन एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे हमारे? ओवर स्ट्रेट हो जाएंगे. तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, एक्सपेंस बढ़ जाएगा.